अन अदर आइडिया अबाउट असेसिंग चिल्ड्रेन इज करिकुलम बेस्ड असैसमेंट हमने एक दफा कहा था ना कि असेसमेंट और करिकुलम के बीच में अलाइनमेंट होनी चाहिए सो अकॉर्डिंग टू कोहन एंड 1994 नाइनटी फोर करिकुलम बेस्ड असैसमेंट हैज्री डिस्टिंग इन्होंने तीन डिस्टिंग हमें बताए टू डिटर्मिन एलिजिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पेसिफिक करिकुलम एंड लर्निंग एक्सपीरियंसिस पहली बात तो ये है कि क्या हम ये असेस करें कि क्या हमारा बच्चा इस काबिल है कि किसी एक खास करिकुलम का हिस्सा बन सके क्योंकि वो उसके लिए तैयार है उसकी कॉग्निटिव सोशल एबिलिटीज जो हैं वो इस दर्जे पे इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि अब वो केटर कर सकता है इस करिकुलम को पेट टू डेवलप द स्पेसिफिक करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन गोल्स फॉर दैट चाइल्ड बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस विद इन द क्लासरूम कॉन्टेक्ट अब हम क्या करते हैं कि जब वो बच्चा उस करिकुलम का हिस्सा बन जाता है तो हम उसके लिए खास ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ऑब्जेक्टिव तो हमारे सबके लिए ओवरऑल भी होते हैं लेकिन हम स्पेसिफिकली भी बच्चों को कैटर करते हैं कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब कोई बच्चा किसी एक लेवल पे एंटर होता है तो वो दूसरे से मुख्तफ हो सकता है और उससे उस, उसका जो एंट्री लेवल है वो दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है तो इसके क्या टारगेट्स होंगे उसके टारगेट्स को हम पहले मुतयन करते हैं कि इस करिकुलम में उसने क्या क्या चीज़ें सीखनी है और किन किन चीज़ों की डिस्पोजिशन आखिर में हमें चाहिए होगी टू असैस प्रोग्रेस एज ही और शी प्रोसीड टू द करिकुलम और फिर हम वक्त के साथ साथ उसको असेस करते जाते हैं कि करिकुलम का कितना हिस्सा जो है वो सीख गया है कितना मज़ीद अभी सीखना बाकी है और किस तरह उसकी जो प्रोग्रेस है उसकी रफ्तार क्या रही द प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स तो अब वो स्टेप्स कौन से हैं जो हम करिकुलम बेस्ड असेसमेंट के लिए करेंगे द टीचर यूजेज अ सिस्टम फॉर करिकुलम बेस्ड असेसमेंट दट प्रोवाइड अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन यानी हमने देखना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं जो इंस्ट्रक्शन हमने दी है उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमारे बच्चों ने किस तरह से मीट करने हैं और कहाँ तक मीट कर रहे हैं आप अपने ही करिकुलम के मैार बनाते हैं ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और अपने ही करिकुलम के थ्रू आप बच्चों को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं देन द टीचर द यूजल्ट ऑफ द करिकुलम बेस्ड असेसमेंट टू मॉडिफाई द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस जब हम देखते हैं कि हमारे करिकुलम के थ्रू बच्चे जो हैं वो इस स्टेज तक पहुँच गए हैं कुछ तेजी से भी आ जाएंगे कुछ थोड़ा स्लो होंगे तो हमें उनको देख के अपने करिकुलम को मॉडिफाई करना है कि हम ऐसा मजीद इसमें क्या ऐड करें कि एक तो इंक्लूसिवली सारे बच्चे उसमें शामिल हों जो तेज़ रफ्तार हैं उनके लिए हमें कुछ और एक्टिविटीज़ देनी होगी ताकि उनके करने के बाद वो उसमें मशगूल हों तो वक्त ज़ाया ना करें जो स्लो लर्नर हैं उनको किस तरह से हमने स्कैफ़ फोल्डिंग करनी है क्या हमने उनकी मदद करनी है कैसी मैपिंग हो कि हम उनको आगे लेके आएँ तो हम उन बच्चों को सामने रखते हुए उनकी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए अपने करिकुलम को बिल्ड हैं याद होगा हमने पिछले मॉड्यूल्स में ये बात की थी कि हमारी असेसमेंट को करिकुलम के साथ अलाइन होना है तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि अगर हम करिकुलम बेस्ड असेसमेंट बना रहे हैं तो हम अपने करिकुलम को साथ साथ एलाइन करते चले जाएं। द चाइल्ड इज असेस्ड अगेन विद इन द मॉडिफाइड करिकुलर कॉन्टेक्ट जब हम उसको असेस करते हैं तो जो उसकी फाइंडिंग्स हैं उनके बेसिस पे हम उनको मज़ीद अपने करिकुलम को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमें कोई कमी रहती है कि जी फ्लां चीज हम बच्चों को नहीं सिखा पाए या कुछ बच्चों को नहीं सिखा पाए तो हम उसको एज पर द नीड हम उसको मॉडिफाई करते हैं द टीचर डिटर्मिन्स वेदर द मोडिफिकेशन है चाइल्ड इन द इंटेंडेड मैनर और आखिर में हम देखते हैं कि वो जो लर्निंग आउटकम्स हमने शुरू में रखे थे या ऑब्जेक्टिव रखे थे क्या हम अपने करिकुलम के थ्रू उसको पूरा कर पाए हैं अगर तो कर पाए हैं तो बहुत अच्छा अगर नहीं कर पाए तो फिर हमें उसमें मुसलसल चीज़ें इनकॉपोरेट करनी पड़ती हैं हम अपने करिकुलम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हमारे वो लर्नर जो उस करिकुलम में डेफिशिएंट रह जाते हैं पीछे रह जाते हैं या कुछ आगे निकल जाते हैं उन दोनों तरह को गिफ्टेड चिल्ड्रन को भी और जो डेफिशेंट हैं उनको भी सबको इनकॉपोरेट करने के लिए उनको सबको दायरे में लाने के लिए हम अपने करिकुलम में चेंजेस कर सकते हैं मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और फाइनली हम सबको ऑनबोर्ड लेके आते हैं